हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टेक्निकल बघेल और मैं आपका दोस्त देवपाल बघेल। गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल से पासपोर्ट साइज फ़ोटो को बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप लोग एक फ़ोटो को A4 पेज पर कम से कम 50 या फिर उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं और उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो वही मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको करना क्या होगा। आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो आपको मिल जाएगी आपके प्ले स्टोर में। तो चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं यहीं से। और आपको ऊपर सर्च करना है पासपोर्ट साइज, तो उसके बाद आप इसका आइकन देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का, जो कि मैंने ऑलरेडी से इसको इंस्टॉल करके रख रखा है और 100,000 लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली यहां तक आ जाएंगे अगर आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलती है। चलिए इसके फीचर जो हैं जान लेते हैं कैसे आपको यूज़ करने हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार नज़र आएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, टैप टू स्टार्ट और माय वर्क और रेट ऐप। तो आपको टैप टू स्टार्ट पे क्लिक करना है और कैमरा गैलरी में से आप लोग गैलरी में से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी इमेज को। चलिए एल्बम में चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको नीचे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड पे जाना है और यहाँ से आपको किसी भी कंट्री का सेलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट साइज जिसकी आपको बनानी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितना आपको लेना है और क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलता है पॉपुलर साइजेस। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री का दे रखा है, जर्मनी, इंडिया और UK, USA, तो इन सब में से आप लोग किसी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको क्रॉप कर सकते हैं। और आपको नीचे मिल जाता है सोशल नेटवर्क का, तो आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक कवर, तो ये इन सब पर भी आप लोग फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। और तीसरा मिलता है कस्टम पे, विथ और हाइट आप लोग अपने अनुसार ले सकते हैं। और उसके बाद आपको मिल जाता है फ्री साइज, तो यहाँ पर आप लोग जो इमेज का साइज है उतना भी रख सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे ऊपर से तो आपको यहाँ पे मिलेगा रोटेट का, तो यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट। और आपको मिलता है फ्लिप का, तो आप लोग अप डाउन कर सकते हैं ऊपर नीचे। और लास्ट में आपको मिलता है मिरर, तो आप लोग दाएं बाएं फ़ोटो को कर सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर राइट का ऑप्शन है तो आप लोग उसे क्लिक करें। और उसके बाद आपको मिल रहा है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का, तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी अगर आप लोगों को चाहिए फ़ोटो को देखकर, आप लोग उतनी ही कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग ऊपर राइट का ऑप्शन है तो आपको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको मिलता है मल्टीपल कॉपीज, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप लोग का साइज कि कितने साइज की आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो को बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं पहले फर्स्ट पे। और यहाँ पर A4 पेज है ये, और A4 पेज पर आप देखेंगे कि आपको कितने आपकी पासपोर्ट साइज मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है A4 पेज पर बना सकते हैं। और आपको मल्टीपल पेज पर क्लिक करना है अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ये वाला पेज, तो आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है मल्टीपल का, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो आप लोग फिर से दोबारा से इस फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं और बहुत सी फ़ोटो बना सकते हैं। देख रहे हैं कि आप लोग A4 पेज पर आपके 25 जो है फ़ोटो निकल रही हैं, तो आप लोग ऊपर से इसको सेव का ऑप्शन है राइट का, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए कि सेव का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर सेव हो गया है। और माई फाइल्स पर आपका एक अलग से इसमें फोल्डर बन जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फ़ोटो हैं, एक मैंने ऑलरेडी से पहले बना रखी है वो सेव रखी है और दूसरी जो मैंने अभी बनाई है। और उसके बाद चलते हैं अपने गैलरी में चेक कर लेते हैं, मैं इसको दिखा देता हूं आपको। इसका अलग से फोल्डर बन जाता है पासपोर्ट फ़ोटो मेकर, तो यहां पर आपकी फ़ोटो जो है सेव हो जाती है और यहां से आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप एंड्रॉयड मोबाइल ही यूज़ करते हैं तो भी आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके क्या करना पड़ेगा इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास एक
कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए जिसमें होना चाहिए वाईफाई। तो वाईफाई के थ्रू आप लोग जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं मोबाइल से, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है HP ई प्रिंट का। ये एप्लीकेशन है जो कि मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखी है, तो इसके ऊपर मैंने जो है वीडियो बना रखी है कैसे आप लोग बिना कंप्यूटर के मोबाइल से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप यहाँ से वीडियो को वॉच करके और भी अधिक जानकारी जो है ले सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू कैसे हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कार्टेज को कैसे फिल किया जाता है, उसमें कैसे क्या क्या मटेरियल उसके लिए चाहिए होता है और कितने mm उसमें फिल करना पड़ता है इंक को, तो उसके ऊपर जो है मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये सब सीखना है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है जो कि एक बेल होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपकी ऑन हो जाएगी। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं, और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, आपके पास ईमेल आ जाएगा जहाँ से आपको पता रहेगा कि हमने नेक्स्ट वीडियो बना दी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली न्यू वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।